दिल्ली तक ही मेरी बात पहुंची है, और दिल्ली से फिर जो है कि क्या कहते हैं राष्ट्रपति भवन, वहाँ से भी मुझे कल फोन आया था। उन्होंने कहा कि आप में कोई ऐसी योग्यता नहीं दिखाई दे रही कि जिससे आपको भारत रत्न दिया जाना चाहिए, दोबारा जो है कि भारत रत्न की डिमांड मत करिएगा। फिर आगे आपने क्या सोचा? मैंने सोचा है कि मैं भक्ति करूंगा, भक्त तो ही हूँ। ये हैं गोरखपुर के पिपराइच इलाके के उत्तर टोला के रहने वाले विनोद गौड़। एक दिन विनोद गौड़ पूजा पाठ में लीन थे कि अचानक उनके अंतरात्मा से आवाज आई कि तुम्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। अंतरात्मा से आवाज एक बार आती तो आदमी कलेजा पर पत्थर मारकर चुप हो जाता, लेकिन विनोद जी को यह आवाज 3 बार सुनाई दी, जिसके बाद विनोद जी ने अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाने की ठानी और कमिश्नर के पास अपनी अंतरात्मा की आवाज चिट्ठी के माध्यम से पहुंचा दिया। कमिश्नर साहब ने भी पत्र पर ज्यादा माथा ना खपाते हुए चिट्ठी आगे बढ़ा दी। विनोद जी की चिट्ठी कमिश्नर के दफ्तर से जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंच गया। जिलाधिकारी के दफ्तर ने चिट्ठी मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय भिजवा दिया। वहां से चिट्ठी एसडीएम सदर के पास पहुंचा। एसडीएम सदर के कार्यालय ने चिट्ठी को तुरंत तहसीलदार के पास पहुंचा दिया और तहसीलदार के दफ्तर ने चिट्ठी राष्ट्रपति भवन को भेज दिया। सरकारी अधिकारियों की तत्परता देख विनोद को समझ में आ गया कि जिस सरकारी दफ्तर में ऐसे रत्न मौजूद हों जो लेटर को बिना सही से वेरीफाई किए राष्ट्रपति भवन तक भेज दे, लिहाजा ऐसे अधिकारियों के रहते तो भारत रत्न मिलना करीब करीब तय है। मगर राष्ट्रपति कार्यालय के लोग पढ़े लिखे निकले। उन्होंने विनोद गौड़ को फोन कर कहा कि आपके अंदर ऐसी क्वालिटी नहीं है कि आपको भारत रत्न मिले, लिहाजा आप बार बार चिट्ठी भेजना बंद करें। अब इस घटना को लेकर विनोद कहते हैं कि अगर उन्हें भारत रत्न मिला तो देश के लिए गर्व की बात है, वरना वो भक्त हैं और भक्ति में लीन रहेंगे। विनोद कुमार गौड़, ग्राम राज्य उत्तर टोला, पोस्ट कुसमई बाजार, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, भारत। आपके परिवार में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, हम दो, हमारे दो बच्चे। एक चीज कहा जा रहा, आपने ख्वाब देखा, क्या मामला है पूरा बताइए उनको। मैं 4 बजे गीता का पाठ किया 1/4 घंटा, फिर ध्यान साधना में बैठा और उसके बाद मेरे अंदर से जोर जोर से आवाज़ आने लगी, मुझे भारत रत्न चाहिए, मुझे भारत रत्न चाहिए, मुझे भारत रत्न चाहिए। तो मैं वही सब लिख करके प्रार्थना पत्र कमिश्नर साहब को दिया और उन्होंने आगे फॉरवर्ड किया और दिल्ली तक ही मेरी बात पहुंची है, और दिल्ली से फिर जो है कि क्या कहते हैं राष्ट्रपति भवन, वहाँ से भी मुझे कल फोन आया था। क्या आया फोन में, क्या बताया गया? उन्होंने कहा कि आप में कोई ऐसी योग्यता नहीं दिखाई दे रही कि जिससे आपको भारत रत्न दिया जाना चाहिए, और दोबारा जो है कि भारत रत्न की डिमांड मत करिएगा। फिर आगे आपने क्या सोचा? मैंने सोचा है कि मैं भक्ति करूंगा, भक्त तो ही हूँ, भक्ति करूंगा, भगवान देना ना देना भगवान का काम है। बता दें कि विनोद पेशे से रिक्शा चालक हैं और उनका लेटर सोशल मीडिया पर जैसे वायरल हुआ वो रातों रात फेमस हो गए। हालांकि इस घटना को लेकर जब हमने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो किसी ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। मुझे भारत रत्न चाहिए, यह पत्र लिख करके विनोद कुमार गौड़ ने सभी को हैरान कर दिया और वह पत्र डाक के माध्यम से सबसे पहले इस कार्यालय पर पहुँचा और यहाँ से फिर जिलाधिकारी गोरखपुर के बाद CDO कार्यालय, उस CDO कार्यालय के बाद SDM सदर, और SDM सदर ने जांच के लिए उसे तहसीलदार के पास भेज दिया, लेकिन जांच में यह पूरी बात गलत पाई गई। अब अधिकारियों के हिसाब से अगर माना जाए तो इस पर एक कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि उसने लोगों को परेशान और हैरान भी किया है और पूरा विभाग इस बात से काफ़ी परेशान है, लेकिन इस मामले में कोई भी कुछ बोलने से साफ इनकार कर दिया है। गजेंद्र त्रिपाठी, UP तक।